हाय सब कोई का स्वागत है मेरा फेसबुक लाइव पे। और ये फेसबुक लाइव में मैंने आज रखा हूँ, इसका नाम रखा हूँ शुक्रवार की रात सिर्फ अरविंद का साथ। तो शुक्रवार इसलिए रखा हूँ मैं क्योंकि आप लोग जानते हैं शुक्रवार स्कूल भी लास्ट होता है, ऑफिस भी लास्ट होता है, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। इसलिए मैंने रखा है आपका फ्राइडे को ये शो, लाइव शो। और ये मेरा पहला लाइव शो होगा फेसबुक लाइव, जब मैं अपना ये फेसबुक चैनल में मैं लाइव करने जा रहा हूँ। तो जिसका आज मैं जो लाइव कर रहा हूँ वो एक इम्पॉर्टेंट रेसिपी है, जो है चिकन सौते विथ पीनट क्रीमी पीनट बटर सॉस, जो मैं बना रहा हूँ। ये है एक्चुअली एक छोटा सा स्नैक्स जो आप घर पे भी बना सकिएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय था, होटल सारा बंद है, तो सारे बच्चे लोग रेस्टोरेंट में भी नहीं जा पा रहे हैं, तो किटी पार्टी भी हो सकता है घर पे। और सोचिए बर्थडे है किसी का, तो आप ज़्यादा आदमी को बुला भी नहीं सकिएगा, 10-15-20 आदमी। तो आप ये रेसिपी घर पे बना पाइएगा पीनट बटर सॉस, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैंने फेसबुक में 2 दिन पहले ही दे चुका हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स है फेसबुक में है, आप देख सकते हो वहाँ पे। और मेरा यूट्यूब चैनल में भी ये ब्रॉडकास्ट करेगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग जो बना रहे हैं उसके लिए है चिकन है जो ब्रेस्ट पीस है बोनलेस, और मैंने लिया है बटर, गार्लिक जिंजर पेस्ट, सोया सॉस, और है आपका गार्लिक चॉप है, क्रीम है, और पीनट है, जो पीनट जो मूंगफली जो बोलते हैं वो छिलका उसको हटा के उसको पेस्ट किया हुआ है। और इसमें है काजू पेस्ट है, और है हनी है, चीज़ है, सॉल्ट है, अब टूथपिक है, और गुड़ है, ठीक है। गुड़ मैंने भींगा हुआ रख दिया है। तो ये छोटा सा अरेंजमेंट है। तो मैंने पहले हम लोग को करना पड़ेगा चिकन को किस टाइप का काटना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग मैरिनेशन करेंगे। तो हम लोग पहले चिकन लेंगे, चिकन को हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का ब्रेस्ट चिकन जो है तो देख रहे हैं, इसको हम लोग 20 से ऐसा इसको लंबा सा, ये थोड़ा मोटा पीस है, तो हम लोग इस टाइप का इसको कर लेंगे। देख रहे हैं, ऐसे हम लोग कटिंग कर लिए हैं, इसको भी हम लोग कटिंग कर ले रहे हैं इस टाइप का। तो जितना सारा है हम लोग कटिंग कर लेते हैं। छोटा छोटा पीस कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि आप तो सोचिए, आप क्या मतलब आप स्टिक में दीजिएगा तो टूथपिक शायद आपका पास है, तो आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। इस टाइप का हम लोग कटिंग कर लेंगे थोड़ा सा। देख रहे हैं सारा ऐसा लंबा लंबा पीस कर चुके हैं, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, जिससे है आप जैसा इसको टूथपिक में गाड़ सके। अब एक बॉल लेंगे, बॉल में सारा ये चिकन डालना है हमको, और इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट,
मैंने इसे रेड चिली पेस्ट किया है। सोया सॉस, सॉल्ट स्वाद अनुसार दीजिएगा, क्रश ब्लैक पेपर, इसको अच्छा से मैरिनेशन करना है पूरा। और इसको मैं लाइव दिखा रहा हूँ बोल के इसको मैं तुरंत करूँगा, लेकिन जब भी आप मैरिनेशन करें इसको एक घंटा छोड़ दें मैरिनेशन करके। अब देखिए मैं इसको टूथपिक में डालूंगा, इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे करके घुमा के इसमें डालना है। ऐसा छोटा छोटा पीस जो है ऐसे सारा पीस जो है, ये मैंने छोटा पीस इसलिए किया हूँ क्योंकि आप लोग किटी पार्टी हो बर्थडे पार्टी में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप लॉन्ग नॉर्मली बड़ा स्टिक में भी कर सकते हैं। तो ऐसे सारा मैं कर लूँगा, आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं गूगल मीट पे, अगर आपका पूरा सामान अगर आपका पास होगा। देख रहे हैं तो करीब मैंने 500 ग्राम चिकन लिया हूँ क्योंकि मैंने 4 से 5 आदमी के लिए ये प्रिपरेशन बनाया है। अगर आप ये और ज़्यादा भी चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके उठाना है। मैंने आज 2-3 पीस कर ले रहा हूँ। तो मैंने आज पहले बार ये चैनल इसलिए की किया क्योंकि आज मैं पहला बार जो आज लाइव शो कर रहा हूँ इसका एक ही आज छोटा सा एक रेसिपी कर रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में टाइम आएगा, क्योंकि मेरा अभी तक फेसबुक मैं अब उतना अपडेट नहीं कर पाया हूँ, बहुत सारा कोई ज्वाइन भी नहीं किया अभी तक। तो जितना सारे हैं तो मेरे फेसबुक फ्रेंड ही हैं जिन्होंने ज्वाइन किए हैं, तो इसलिए उन लोगों के लिए आज ये पहला जो है मेरा। ऐसे ही मेरा यूट्यूब चैनल में भी सारे रेसिपी हैं, बहुत सारे रेसिपी हैं। तो आज मैं लाइव शो में हर शुक्रवार को मैं एक नया आइटम लेकर आऊँगा। तो ये ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है, देख रहे हैं सारा इस टाइप का जितना सारा पीस आप 500 ग्राम में शायद 20 से 30 पीस आपका ये चिकन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक फ्राई पैन लेंगे, एक फ्राई पैन लेंगे पीनट बटर सॉस जो है। और एक चीज बताना है आप, ये जो है चिकन है, ये चिकन में आप फिश सॉस भी डाल सकते हैं,
तो मैंने फिश सॉस नहीं डाला क्योंकि बहुत सारे आदमी को पसंद भी नहीं आएगा और मेरे को भी फिश सॉस ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं नॉर्मली ये मैरिनेट किया हुआ। तो मैं इसमें थोड़ा सा बटर लूँगा पीनट बटर सॉस बनाने के लिए। थोड़ा सा गार्लिक, गार्लिक को हल्का ब्राउन करना है। आप गार्लिक को चॉप भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर पेस्ट करेंगे तो मुंह में ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा फाइन चॉप कर लिया हूँ, इसको लाइट ब्राउन होने छोड़ते हैं। देख रहे हैं बटर का खुशबू, गार्लिक का खुशबू, एक एरोमा इतना सुंदर निकल रहा है इसमें से। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा काजू पेस्ट दूंगा, क्योंकि पीनट बटर सॉस है तो पीनट जाना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा काजू दिया इसमें इसलिए क्योंकि वो काजू का और टेस्ट इसमें लाएगा। तो पीनट बटर सॉस तो आप रेडीमेड भी मिलता है, लेकिन आज मैं आपको एक्चुअल पीनट बटर सॉस घर में कैसा बनाते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसमें पीनट लेता हूँ, पीनट पेस्ट में, आगे से मैं ये पेस्ट करके रखा हूँ, आप एक साथ भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, पीनट और काजू नट को एक साथ पेस्ट करके आप एक साथ पेस्ट कर सकते हैं। मैं अलग अलग क्यों किया कि आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं इसमें थोड़ा सा चिली पेस्ट ऐड करूँगा, थोड़ा हल्का सा स्पाइसी करने के लिए। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। थोड़ा ब्लैक पेपर, मैं थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर रहा हूँ उसको कलर को लाने के लिए। मैं हनी
मैं इसमें थोड़ा सा हनी देता हूँ, थोड़ा मीठा अच्छा लगे, स्पाइसी भी रहेगा थोड़ा सा। और मैं देख रहा हूँ इसको, मैं गुड़ को भिंगा कर रखा था, इसको पानी इसको अच्छा से मिलाना है जब तक ये पूरा मिक्स हो जाए। हम लोग इसमें चीज़ ऐड करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको क्रीमी अथवा चीज़ी बनाना चाहता हूँ, तो इसमें मैंने थोड़ा पीनट बटर में चीज़ नहीं जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट किया हूँ इसको, थोड़ा सा चीज़ दिया हूँ। चीज़ बच्चे लोग को अच्छा भी लगता है और स्ट्रक्चर भी उसका अच्छा बनाएगा। लास्ट में इसमें थोड़ा क्रीम ऐड करूंगा, इसमें कलर आ चुका है, इसमें मैं ऐड करूंगा इसमें से थोड़ा पानी। अब इसको हम लोग थोड़ा देर पकने दे सकते हैं पीनट बटर सॉस को, और थोड़ा सा इसमें और थोड़ा हम लोग बटर देंगे। और थोड़ा नमक, हम लोग इसको साइड में करेंगे थोड़ा सा। अब थोड़ा हम लोग इसमें ग्रिल फ्राई पैन होगा तो भी चलेगा, अगर नहीं हुआ तो नॉर्मल फ्राई पैन भी आप, ये चिकन का जो छोटा सा मैंने सौते चिकन का स्टिक बनाया वो आप दे सकते हैं। मैं जस्ट थोड़ा सा इसमें तेल दूंगा, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैं थोड़ा सा भी बटर इसमें यूज़ कर रहा हूँ। ये स्टिक को मैं यहाँ पे ग्रिल करूँगा। खूब इजी है, आप देख रहे हैं, कोई ज़्यादा तो प्रेशर ही नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है।
में जो है चिकन खूब इजी हम खूब जल्दी पक जाएगा। तो जस्ट आपको मूव करना है थोड़ा सा, तो दोनों साइड की से पके और धीमे आंच पे करना है इसको एकदम लो फायर में। आप लोग कॉकटेल पार्टी में भी, घर पे कॉकटेल जो पार्टी होता है, आप उसके कॉकटेल स्नैक्स भी हिसाब से बना सकते हैं। बच्चों लोगों को इवनिंग में आप कुछ इस टाइप का स्नैक्स बर्थडे पार्टी में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला हूँ, क्योंकि हम लोग ये होटल में भी ये चीज़ यूज़ करता हूँ कॉकटेल पार्टी में। शायद ये होटल में ज़्यादा सब कुछ जाके खाते हैं, लेकिन आज मैंने ये बनाया रेसिपी। मैं शायद थोड़ा सा अटैच नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि शायद ये पहला बार, शायद आज मैंने पहला गूगल मीट पे ये डाला था ऑप्शन, तो शायद पहले टाइम में मैंने देखा कोई ऑनलाइन नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको ऐड करने नहीं सका। तो नेक्स्ट टाइम हर शुक्रवार को सेफ रहेगा आप लोगों के साथ, और आप लोगों को हम ऐड कर लूँगा गूगल मीट पे शायद। आज प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, देख ले हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप लोग कैसे हो? तो आज देख रही हो मेरा पहला जो है फेसबुक लाइव में कर रहा हूँ मैं। तो तुम देख रही हो आज हम बना रहे हैं चिकन सौते विद क्रीमी पीनट बटर सॉस, जो ऑलरेडी बन चुका है। तुम बाद में इसको फिर वीडियो को बाद में भी देख सकती हो। अच्छा, तो शायद आज गूगल मीट मैंने किया था, शायद नहीं हो पाया, सब कोई तभी ऑनलाइन नहीं था इसलिए। बड़ा टेस्टी दिख रहा है अभी से ही। तो ऑलमोस्ट हमारा जो चिकन है इसको थोड़ा प्रेशर करना है, चिकन अच्छा सब पक जाए। तो और थोड़ा सा रेडिश टाइप का करना है, ब्राउन करना है इसको। हम लोग थोड़ा सा प्लेटिंग करते हैं इसको।
हमारा चिकन जो है हो चुका है, दोनों प्लेटिंग करेंगे इसको। तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं अभी। जैसे इस तरह प्लेटिंग भी कर सकते हैं। इस टाइप का हम लोग सर्व कर सकते हैं। जितना जो बनाया था पूरा सारा उसमें डाल दिया। मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा कोरिएंडर इसमें डाल रहा हूँ। आप चाहे दूसरा कोई हर्ब्स भी होगा तो आप लोग डाल सकते हैं इसको इसमें। इस टाइप का तो प्लेटिंग कर सकते हैं। मैंने रेड चिली काट कर रखा था। तो देख रहे हैं आप लोग हमारा सौते चिकन विथ पीनट बटर सॉस रेडी हो चुका है। ये छोटा सा रेसिपी है, हम खूब इजी है देखे हैं। मेरा ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं था, आप इंग्रेडिएंट्स भी देख सकते हैं। मेरा इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा भी नहीं था कुछ, सिर्फ मैंने चिकन को थोड़ा सा मैरिनेट किया और उसको टूथपिक में लगाया और उसको थोड़ा सा ग्रिल किया। अब इसको आप सॉस में ऊपर सॉस भी डाल सकते हैं, बस साइड में भी सॉस में डाल सकते हैं। कोई भी मेहमान आया घर पे, कोई भी गेस्ट आया, पर बच्चे को भी कुछ देना है शाम को, तो आप ये दे सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारा ये रेसिपी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट फ्राइडे को मैं फिर आऊँगा लाइव और नया एक रेसिपी लेकर आऊँगा, ऐसे ही इजी एक रेसिपी जो आपके घर पर सारा सामान रहेगा, जो आप वो सामान से पूरा बना सकिएगा। और मैं संडे को भी एक छोटा सा रेसिपी देता हूँ जो आप घर पे बना सकेगा, वो मेरा यूट्यूब चैनल में रहेगा, मेरा फेसबुक में भी वो अपडेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।